नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। महोबा जनपद में खजुराहो महोबा रेलवे ट्रैक में फर्राटे भर रही बनौरी एक्सप्रेस के घर लौट रहे एक युवक को अज्ञात लोगों ने चलती ट्रेन से फेंक दिया है, और जिसके बाद युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ पर GRP पुलिस मामले की जाँच कर रही है। वहीं परिजनों का आरोप है कि युवक का बैग और 35,000 की नकदी की लूट की गई। आपको बता दें कि ये पूरा मामला जनपद बांदा के थाना मटौंद में चमराहा गांव का बताया जा रहा है, जहां पर 25 वर्षीय नरेश कुमार गुजरात के सूरत में एक साड़ी फैक्ट्री में काम करता है। नए साल पर वे घर वापस लौट रहा था, और तभी खजुराहो ट्रैक पर रहेलिया गांव से निकली रेलवे लाइन के पास वो घायल अवस्था में पड़ा मिला, जिसके बाद से ही दूध विक्रेता की सूचना पर एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल को जिला अस्पताल में भेजा गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई बताई जा रही है। फिलहाल GRP पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खबर महोबा से है, जहां जिला अस्पताल के वार्ड में बर्थडे पार्टी मनाया गया है, और इस दौरान इमरजेंसी वार्ड में केक भी काटे गए हैं और साथ ही पटाखे भी जलाए गए हैं। वहीं पार्टी के हुड़दंग के कारण मरीज काफी परेशान होते हुए नजर आए हैं। बता दें आपको कि जिला अस्पताल में बर्थडे पार्टी का वीडियो अब जमकर वायरल भी हो रहा है। बता दें आपको, महोबा से खबर है, जहां पर बताया जा रहा है कि बर्थडे पार्टी का जो वीडियो है वो जमकर वायरल हो रहा है, और इसी के साथ जानकारी सामने आई है कि जिला अस्पताल के वार्ड में यहां पर बर्थडे पार्टी मनाई गई थी, जिसको लेकर मरीज काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए, और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि लोगों ने वहाँ पर हुड़दंग भी मचाया है। झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के नगरा हॉट के मैदान कोच फैक्ट्री के पास एक अधेड़ विकलांग का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। वहीं सूचना मिलने पर SSP सहित डॉग स्क्वाड और प्रेमनगर थाना का पुलिस बल मौके पर पहुंचा और जांच पड़ताल शुरू कर दी। बता दें आपको कि पुलिस का कहना है कि घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद प्रथम दृश्य से प्रतीत हो रहा है कि मृतक के सर पर लाठी डंडे से प्रहार किया गया है। और आपको ये भी जानकारी दे दे कि मामला प्रेमनगर थाना क्षेत्र के काट के पुल के पास का बताया जा रहा है, जहां रेलवे की खोलियों में रहने वाला 50 वर्षीय लक्ष्मण, जो एक पैर से विकलांग था, उसकी ये मामले में जांच सामने आई है। फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। बता दें आपको कि झांसी से खबर है, जहां पर घटना स्थल पर पहुंचे हैं पुलिस बल, और ये भी जानकारी सामने आई है कि यहां पर अधेड़ का 50 वर्षीय व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। बता दें आपको कि फैक्ट्री के पास ये शव मिला है। झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के नगरा थाना क्षेत्र के हॉट मैदान में ही कोच फैक्ट्री के पास एक अधेड़ विकलांग का शव मिलने से आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई है, और सूचना मिलने पर ही SSP सहित डॉग स्क्वाड और प्रेमनगर थाना का पुलिस बल मौके पर पहुंचा और जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद पहले देखने में ये प्रतीत होता है कि मृतक के सर पर लाठी डंडे से प्रहार किया गया और उसके बाद उसकी हत्या की गई है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि पूरा मामला प्रेमनगर थाना क्षेत्र के काट के पुल के पास का है, जहां रेलवे की खोलियों में ही रहने वाला 50 वर्षीय, जिसका नाम लक्ष्मण बताया जा रहा है, और उसका एक पैर भी नहीं है, ये भी जानकारी सामने आई है। फिलहाल पुलिस जो है मामले पर जाँच पड़ताल कर रही है। चमोली जिले के पेठाणी गांव के ग्रामीणों की सालों पुरानी मोटर मार्ग की मांग जो है नववर्ष के अवसर पर पूरी हो गई है। रविवार को नारायण बग्गड़ प्रखंड के पेठाणी गांव के ही नारायण बग्गड़ परखाल चोपता मोटर मार्ग से राज्य योजना से स्वीकृत 2 किलोमीटर मोटर मार्ग का क्षेत्रीय विधायक भूपाल राम टमटा और ब्लॉक प्रमुख यशपाल सिंह नेगी और भाजमयू जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह नेगी और ग्राम प्रधान मृत्युंजय परिहार आदि जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने भूमि पूजन कर मोटर मार्ग का कार्य जो है वो प्रारंभ किया, और इस दौरान ही क्षेत्र की महिलाएं पुरुषों ने बड़ी संख्या में आकर विधायक का स्वागत समारोह का कार्यक्रम भी रखा था। और बताते चले आपको कि पेठाणी गांव
कि बहुत सालों पुरानी इस सड़क मार्ग की मांग आखिरकार पूरी होती हुई नजर आई, तो ग्रामीणों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और इस सड़क के लिए पेठाणी गांव के ग्रामीणों ने बार बार आंदोलन किए और बीते विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आविष्कार की घोषणा भी कर दी थी। और यही नहीं, इस गांव के ग्राम प्रधान ने अपने खून से मुख्यमंत्री को सड़क की मंजूरी के लिए पत्र भी लिखा था, लेकिन जब नए साल के अवसर पर पेठाणी गांव की सड़क का उद्घाटन के साथ कार्य प्रारंभ हुआ तो सभी क्षेत्रवासियों ने विधायक, ब्लॉक प्रमुख और सरकार का धन्यवाद किया है। तो थराली से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर ग्रामीणों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। बता दें आपको कि पेठाणी गांव की सड़क पर अब निर्माण शुरू हो गया है, जिसको लेकर उसका उद्घाटन के साथ ही कार्यक्रम जो था वो अब प्रारंभ कर दिया गया है, कार्य अब प्रारंभ हो गया है, जिसके चलते अब ग्रामीण काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। बता दें आपको कि ग्रामीण कई समय से इस सड़क को लेकर आंदोलन कर रहे थे और लगातार सड़क बनवाने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद अब उनकी मांगें पूरी होती हुई नजर आई तो ग्रामीणों में खुशी की लहर साफ तौर पर देखने को मिली। बता दें आपको कि मोटर मार्ग की मदद से ये बताया जा रहा है कि मोटर मार्ग की मरम्मत से ये मुराद जो है वो पूरी हुई है। और ये भी जानकारी सामने आई है कि नए साल के अवसर पर पेठाणी ही गांव की सड़क का उद्घाटन के साथ कार्य प्रारंभ हुआ है, तो क्षेत्रवासियों ने विधायक, ब्लॉक प्रमुख, सरकार का सभी का धन्यवाद भी किया है। तो थराली से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ग्रामीणों के चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। बता दें आपको कि लगातार सड़क के निर्माण की बात कर रहे थे और लगातार ग्रामीण जो है आंदोलन भी कर रहे थे इसको लेकर, लेकिन अब उनका आंदोलन सफल होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद अब उन्होंने सरकार का धन्यवाद भी किया है और निर्माण को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। बता दें आपको कि काफ़ी समय से सड़क खराब थी, जिसके चलते ग्रामीणों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था और ग्रामीण काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे, जिसके बाद ग्रामीणों ने इस पूरे मामले को लेकर आंदोलन किया था, जिसके बाद अब देखा जा सकता है तस्वीरों में ग्रामीणों के चेहरे पर किस तरह की खुशी नजर आ रही है। इस दौरान क्षेत्र की महिलाएं पुरुषों ने बड़ी संख्या में आकर विधायक का भी स्वागत समारोह का कार्यक्रम रखा था। और ये भी बता दें आपको कि पेठाणी गांव की बहुत सालों पुरानी सड़क मार्ग की मांग आखिरकार पूरी होती हुई नजर आई है, तो जिसके चलते ग्रामीणों में खुशी की लहर भी देखने को मिली है और इस सड़क के लिए पेठाणी गाँव के ग्रामीणों ने बार बार आंदोलन किया। और वहीं बात करें बीते विधानसभा चुनाव चुनाव आविष्कार की घोषणा तक कर दी थी। और इसी खबर पर हमारे साथ थराली से हमारे सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ तो जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है कि ग्रामीणों की मोटर मार्ग का जो निर्माण था वो अब देखने को मिल रहा है कि ग्रामीण भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। कल से जो है मोटर मार्ग का जो काम है पेठाणी गांव की, ये कई वर्षों से लंबी मांग थी लोगों की कि उनके उनकी गांव के लिए मोटर मार्ग बनाया जाए। और जो वहां के जो लोग हैं लगातार वो आंदोलनरत रहे, वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं, वहां के जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो भी लगातार इस सड़क के लिए लड़ते रहे। अंततः कल जो है नए नव वर्ष के मौके पर कल जो वहाँ पे है उनके उनके गाँव के लिए जो मोटर मार्ग है उसका उद्घाटन कर लिया गया है। विधायक छत्री विधायक वहाँ पर है, भाजपा के जो जिलाई हुआ मोर्चा के अध्यक्ष देवेंद्र ने गए हैं, विधायक गोपालंत है, ब्लॉक प्रमुख यशवाल ने, तमाम ग्रामीण वहाँ पे उन्होंने एक बहुत ही मतलब भूमि पूजन का जो समारोह रखा था वहाँ पे, तो बहुत ही खुशी में झूमते हुए लोगों ने जब वहाँ पे सड़क का कार्य प्रारंभ हुआ तो काफी लोगों ने वहाँ पे हर्ष ध्वनियां करते हुए बहुत खुशी मनाई थी उनके लिए। अब उनके गांव के लिए एक मोटर मार्ग जो मिल गया, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके गांव के लिए एक जो पिंडन नदी है और जो कंडप्रयाग अलमोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, उस राजमार्ग से एक मोटर पुल की उनको उनकी थी मांग है और वो मांग उनके भी रहेगी, क्योंकि ये जो उनके उनके गाँव के जो मोटर मार्ग बना है ये दूसरी रोड से है, लेकिन अब मुख्य मुख्य मोटर मार्ग से जो पुल अगर उनके गांव के लिए बन जाती है तो ये मुख्य जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उससे जुड़ने वाला गांव है, क्योंकि बहुत ही नजदीक मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग से बहुत ही नजदीकी गांव है, तो एक पुल की आदत
इनको नितांत आवश्यकता होगी। इस डिमांड उन्होंने कल विधायक जी से भी किया, विधायक जी ने भी आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही सरकार से बातचीत करके और यह पुल का भी निर्माण किया जाएगा। जी जी सुरेंद्र, जैसे बताया जा रहा है कि ग्रामीण काफी समय से इस सड़क को लेकर मांग कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, और इसके साथ ही ये भी जानकारी सामने आई है कि इसको लेकर चिट्ठियां भी लिखी गई हैं। पूरा मामला क्या था और कब से आंदोलन कर रहे थे, विस्तार से बताइए। जी मैम, आंदोलन तो ये आजादी के इतने दशकों बाद की मांग थी कि इनके गाँव के लिए सड़क बनाई जाए। इसी के साथ एक गाँव और है, ग्राम पंचायत और है नाखोली, वहाँ के लोग भी कल आए थे, वहाँ पे उद्घाटन समारोह में आए थे। वहाँ के लोगों ने भी विधायक जी को फिर एक ज्ञापन सौंपाया कि उनके गांव के लिए भी जो सड़क है वो सड़क मार्ग अवलंब जो है उसका जो निर्माण कार्य उसका प्रारंभ किया जाए। तो इसी तरह से कई गांव आज भी उत्तराखंड में पर्वतीय जनपदों में रह जाते हैं जो मोटर मार्ग से वंचित रह जाते, तो उन तमाम तरह की जो मांगे हैं इस गाँव की भी इसी तरह की कुछ मांग रही थी। और कल जो मांग जो 9 वर्ष के समय पर पूरी हुई है, तो लगभग अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि 1-2-3 महीने में इनके गांव तक सड़क मोटर मार्ग जो है चली जाएगी और गाड़ियां उसको सुचारू रूप से चलनी शुरू हो जाएगी। जी मैम जी सुरेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, थराली से खबर है जहां पर ग्रामीणों की मोटर मार्ग की जो मांग थी वो लगातार पूरी होती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते ग्रामीण काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रहे हैं। उत्तरकाशी जनपद के ही डुंडा प्रखंड के ओल्लिया गांव निवासी राम नारायण भट्ट की पत्नी पर भालू ने जानलेवा हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया है। और घटना उस वक्त हुई है जब दो महिलाएं शाम के समय करीब 3 बजे अपने ही निजी खेतों में घास काटने गई थी, जहां पर घात लगाए भालू ने अचानक से गुजलेश्वरी देवी, उम्र जिसकी 40 साल बताई जा रही है, उस पर अचानक से हमला कर दिया। और इसके साथ ही महिला पर भालू का हमला होने की भनक जैसे ही दूसरी महिला को लगी, तो उस महिला ने हिम्मत दिखाते हुए शोर शराबा कर घायल महिला को भालू के चुंगल से छुड़ा लिया और महिला का शोर सुनाई दिया, और जिसके बाद ग्रामीण भी घटनास्थल पर पहुंच गए और आनन फानन में घायल महिला को देर रात 108 की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। बता दें आपको कि ओल्लिया गांव में इससे पहले भी भालू ने कई बार हमले किए हैं। यहां के जनप्रतिनिधि और ग्रामीण ने वन विभाग से भालू के हमले से निजात दिलाने के लिए गुहार भी लगाई है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्तरकाशी से सुमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, जिस तरह से बताया जा रहा है कि भालू के हमले से निजात दिलाने के लिए एक महिला ने दूसरी महिला की मदद की है, पूरा मामला क्या था, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जैसे ये मामला डुंडा ब्लॉक में ये मामला सामने आया गांव से, यहाँ पर एक महिला घास काटने के लिए जंगल गई थी, जहाँ पर गाय की चारे के लिए जंगल गई थी, तो अचानक इस पे भालू ने हमला कर दिया। ऐसे यहाँ पर कई मामले सामने आ रहे हैं, क्योंकि उत्तरकाशी में ऐसे कई गांव हैं जहाँ पर कई बार भालू के हमले देखने को जरूर मिले हैं, पर इस बार जो इस महिला ने सूझबूझ से साथ ये घायल काफी है और इस पे भालू ने अचानक से हमला किया, और इसे स्थानीय लोगों ने इसको जैसे इसकी सूचना स्थानीय लोगों को मिली वो तत्काल जंगल गए और इस महिला को बचाया गया और 108 के माध्यम से इसे जिला अस्पताल में रेफर कर दिया। जी बिल्कुल सुमित, जिस तरह से ये वन विभाग की लापरवाही भी इसमें साफ तौर पर नजर आ रही है और दहशत भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, वन विभाग की बात की जाए तो यहाँ पर जो वन विभाग के कर्मचारी हैं वो साफ तौर पर गश्त इन्हें करना चाहिए, पर यहाँ पर जो वन विभाग साफ तौर पर कह रहा है कि अगर कोई महिला जंगल में जा रखी है घास पे, तो भालू का कोई समय नहीं, वो कभी भी किसी पर भी अटैक कर सकता है। तो यहाँ पर साफ तौर पर जिला अधिकारी और तमाम जो वन विभाग के कर्मचारी वो हड़कंप के जरूर है और वो यहाँ पर गश्त भी करेंगे इन जंगलों में जहाँ पर ऐसी घटनाएं देखने को मिले। जी सुमित, फिलहाल घायल महिला जो है उसकी स्थिति किस कदर बनी हुई है? बिल्कुल, जो घायल महिला है वहाँ के ग्राम प्रधान, तमाम क्षेत्र के लोग यहाँ पर जिला अस्पताल में आए हैं और उन्होंने यहाँ पर इसके इलाज के लिए यहाँ पर डॉक्टरों के लिए कहा कि जल्द से जल्द ट्रीटमेंट किया जाए, तो यहाँ पर उसकी अभी जो स्थिति है वो सामान्य है। जी सुमित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए।
रीड नगर पंचायत दिनेशपुर के सभागार में बंगाली कर्मचारी उन्नयन समिति दिनेशपुर इकाई के द्वारा नशा उन्मूलन कार्यक्रम धूमधाम के साथ किया गया है। कार्यक्रम में सामान्य ज्ञान, चित्रकला और इसके साथ ही मूर्ति कला, रंगोली, बांग्ला सुलेख प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इस दौरान बंगाली समाज के लोगों ने रविंद्र संगीत, बांग्ला संगीत आदियों की प्रस्तुति की और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक अरुण पांडे ने कहा कि बीच बीच में नशे के खिलाफ जागरूकता करने के लिए लोगों को आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चों का ध्यान अपने संस्कृति, कला, संगीत, चित्रकला, मूर्ति कला पर ध्यान आकर्षित करने के लिए इस तरीके का कार्यक्रम लगातार करना चाहिए। तो दिनेशपुर से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर भारी संख्या में लोग मौजूद रहे हैं। बता दें दिनेशपुर इकाई के ये बताया जा रहा है कि कार्यक्रम किया गया जहां पर ये भी जानकारी सामने आई है रीड नगर पंचायत दिनेशपुर के सभागार में बंगाली कर्मचारी उन्नयन समिति दिनेशपुर इकाई के द्वारा नशा को लेकर कार्यक्रम धूमधाम के साथ किया गया है। कार्यक्रम में सामान्य ज्ञान, चित्रकला, मूर्ति कला, रंगोली, बांग्ला सुलेख प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। तो आपको दिनेशपुर से खबर बता रहे हैं जहां पर जानकारी है कि भारी संख्या में लोग मौजूद रहे हैं। बता दें आपको कि यहां पर कार्यक्रम किया गया है और इसके साथ ही जानकारी ये भी है कि भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। और इसी खबर पर हमारे साथ दिनेशपुर से हमारे सहयोगी काजल रॉय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। काजल, जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है कि नशे को लेकर कार्यक्रम किया गया, क्या कुछ खास रहा इस कार्यक्रम में? मैं आपको बताना चाहूंगा कि नशे के खिलाफ एक कार्यक्रम बंगाली कर्मचारी उन्नयन समिति के द्वारा स्कूलों के बच्चों के उसपे कला, मूर्ति कला, फिर संस्कृत कार्यक्रम, कई सारे प्रतियोगिता कराई गई है और उस बच्चों का ध्यान जो है आकर्षित करने के लिए इन सब कार्यक्रम किया गया है कि और कहा गया है कि नशे से दूर रहे और इस पे ज्यादा आकर्षित हो। जी काजल, ये भी जानकारी है कि इस कार्यक्रम में नशा मुक्त के लिए भी बात कही गई है और कितनी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद रहे हैं? आपको बताना चाहूंगा कि नशे के खिलाफ एक अभियान के तहत जो कार्यक्रम किया गया उसमें स्कूलों, बच्चों और क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि एवं क्षेत्र के क्षेत्रीय जो विधायक है वो उनकी उपस्थिति में ये कार्यक्रम प्रस्तुत की गई और जो है प्रतिभागी जिन्होंने अच्छा जो मूर्ति बनाया, फिर पेंटिंग आदि जो भी था और गीत का भी उन्हें प्रतियोगिता रखा गया था तो उसमें उनको भी पुरस्कृत किया गया। भी चित्रकला इसमें बनाई है, उनके बारे में भी थोड़ा विस्तार से बताइए। हाँ, इसमें बच्चों को जो है, बच्चों ने जो है पेंटिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक का पोस्टर बनाया गया। इसके अलावा कई सारे ऐसे जैसे मूर्ति का, मूर्ति कला में जैसे देवी काली की जो मूर्ति, सरस्वती की मूर्ति, शिव जी का मूर्ति, इसके अलावा नरेंद्र मोदी का भी मूर्ति इसमें प्रदर्शित किया। जी काजल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो आपको दिनेशपुर से खबर बता रहे थे जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और भारी संख्या में यहां पर लोग मौजूद रहे। जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय काश्तकारों की आर्थिकी जो मजबूत करने के लिए नगर में संडे मार्केट का आयोजन किया जा रहा है और जिसमें दूर दराज के यहां पर लोग जो है वो उत्पादों को यहां पर लाकर बेच भी रहे हैं और अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। बता दें आपको कि जिला प्रशासन की पहल पर स्थानीय काश्तकारों की आर्थिकी को सुधारने का प्रयास प्रशासन जो है वो कर रहा है, जिसको लेकर संडे मार्केट का आयोजन किया जा रहा है जिसमें दूर दराज से काश्तकार अपने स्थानीय उत्पादों का लेकर यहाँ पर माल जो है उन्हें बेचने के लिए, अच्छे दामों पर बेचने के लिए और मुनाफा कमाने के लिए, आर्थिकी को सुधारने के लिए बेच रहे हैं। और संडे मार्केट में आए स्थानीय काश्तकारों का कहना है कि उन्हें यहाँ पर आकर अच्छी कमाई हो रही है और उनके उत्पादों के अच्छे दाम भी मिल रहे हैं और उन्होंने जिला प्रशासन का आभार भी जताया और कहा कि प्रशासन पूरा सहयोग काश्तकारों पर कर रहा है जिससे उनकी आर्थिकी में भी सुधार हो रहा है और अच्छी कमाई कर रहे हैं।
और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी पुष्कर नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुष्कर नेगी, बताया जा रहा है कि काश्तकारों में इसमें काफी मुनाफा देखने को मिल रहा है और दूर दराज से लोग भी इस मार्केट में पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जनपद चमोली की एक पहल यहाँ पे काम आई है, क्योंकि संडे मार्केट जो है, जो मुख्य विकास अधिकारी हैं इनके द्वारा जो है गोपेश्वर के 9 के 9 ब्लॉकों में संडे के दिन जो है जो छोटे काश्तकार होते हैं पहाड़ों के, चाहे संतरा हो या माल्टा हो या आपका जौ हो या आलू हो, तमाम तरीके की सीजन अभी इनका है, तो उनको लेकर एक पहल यहाँ पे जो है जिला अधिकारी के द्वारा और जो मुख्य विकास अधिकारी हैं उनके द्वारा यहाँ पे किया गया। पिछले बार जोशीमठ में लगाया गया था और आज का जो कल का जो संडे था वो जो है गोपेश्वर में लगाएगा, तो कहीं ना कहीं जो छोटे काश्तकार होते हैं या जिनको जो बाजार नहीं मिल पाता है, वो लोग अपने सामानों को लेके या जो गढ़वाल के जो फल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, या आलू हो गया या आपका या मंडुआ हो गया, झंगोरा हो गया, तमाम सारे दालें होती हैं, इनको बाजार में लेके आए हैं, इनको काफी मुनाफा यहाँ पे हो रहा है और इनकी जो सामग्री है वो भी यहाँ पे बेची जा रही है, उनको एक बाजार मिल रहा है। एक अच्छी पहल यहाँ पे देखने को मिली है कि जिस तरह से जो लोग जो है कहते हैं कि हमारा जो है बाजार नहीं मिल पाता है, क्योंकि पहाड़ों में जो है छोटे काश्तकार होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि जंगली जानवरों से अपनी फसलों को बचाते हैं या अपने जो सब्जियां हैं इनको बचाते हैं, इनके लिए एक बाजार जो है संडे मार्केट के तौर पर जो है जनपद चमोली ने प्रशासन ने जो खोला है, तो कहीं ना कहीं लाभार्थियों को लाभ देने की यहाँ पे कोशिश भी की गई है और जो लोग बाहर से इनको सामान खरीदने आ रहे हैं या सामान लेके जा रहे हैं, इनको भी एक त्वरित जैविक यानी कि जो खाद जो है गाँव में होती है, गोबर से बने हुए जो फल यहाँ पे मिलते हैं, सब्जियां मिलती है, इसका लाभ जो है स्थानीय जनता भी उठा रही है, जो अधिकारी कर्मचारी भी है वो भी उठा रहे हैं। हालांकि जिला अधिकारी की ये पहल जो है 9 के 9 ब्लॉकों में, आप चाहे जोशीमठ की आप बात कर लीजिए, या दसोली की आप बात कर लीजिए, पोखरी की आप बात कर लीजिए, थराली की आप बात कर लीजिए, देवाल की आप बात करिए, तमाम सारे इलाकों में जो है संडे को जो है मार्केट खोलने का जो प्रावधान जो जनपद के मुख्य प्रशासन ने किया है, इससे काश्तकारों को भी काफी लाभ मिल रहा है और जो स्थानीय जनता है इनको भी काफी आमदनी भी इनकी हो रही है। काश्तकारों को जो ताजा, हमें कह सकते हैं कि ताजा फल इनको मिल रहा है, ताजा सब्जियां इन लोगों को मिले, तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण जो है खरीदारी कर रहे हैं इनको जो है अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पर मिल रहा है। जी बिल्कुल पुष्कर, जिस तरह से आप वहाँ पर मौजूद भी रहे हैं और लोगों से बातचीत भी आपने की है, तो क्या कुछ लोगों में कितनी खुशी देखने को मिल रही है ग्राहकों में? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि जो छोटे काश्तकार होते हैं यानी जिन जो यानी आपने देखा होगा कि यदि झंगोरे को लेकर यदि आया है या कोई कताई बुनाई वाला सामान जैसे स्वेटर होगी, टोपी होगी, तो तमाम सारे लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, तो इनको यहाँ पे बाजार नहीं मिल पाता है, या बाजार जब बड़े बड़े मेले होते हैं या इनका जो है जिस तरह से जो विपणन जो बाहर के शहरों में होता है नहीं हो पाता, लेकिन जनपद चमोली में जिस तरह से काश्तकार होते हैं, चाहे आप मंडुआ की आप बात कर लीजिए, तो मंडुआ तो ऑल इंडिया में बिक रहा है, लेकिन झंगोरा हो गया आपका, नारंगी हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, तमाम सारे लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको मुनाफा भी होता है और जो काश्तकार यहाँ पे पहुंचे हैं, जो लोग यहाँ पे पहुंचे, खुशी जाहिर की जो सरकार की हम इसको पहल की थी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी है कि लोकल को जो है ज्यादा बढ़ावा देने का, लोकल ही बोल, क्योंकि आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बद्रीनाथ धाम में पहुंचे हुए थे, तो उन्होंने वहां पे भी कहा था कि यदि कोई काश्तकार यहाँ पे पहुंचता है या कोई यात्री यहाँ पे पहुंचता है, तो लोकल 50% मार्केट जो है यहाँ से खरीद के बाहर ले जाए, यानी शुद्ध माल यहाँ से मिले, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो चमोली प्रशासन ने जिस तरह से संडे मार्केट का जो आयोजन जनता चमोली में किया है, बड़ा सराहनीय, लोगों का कहना है कि बहुत अच्छा काम ये भी चल रहा है। जो लोग यहाँ पे हमने बातचीत की उन लोगों का यही कहना है कि यदि हमको जो ताजी सब्जियां मिल जाती है या ताजे फल मिल जाते हैं, तो इसको खरीद के हमको बहुत लाभ यहाँ पे प्राप्त होता है। जी बिल्कुल पुष्कर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। पौड़ी में जल्द ही पुराना ब्रिटिश कालीन कलेक्ट्रेट परिसर अब एक नए स्वरूप में यहाँ के लोगों और पर्यटकों को नजर आएगा और इस हेरिटेज बिल्डिंग को संवारने की कवायद जिलाधिकारी के निर्देशों पर अब तेज कर दी गई है और जिलाधिकारी ने इस हेरिटेज बिल्डिंग के जीर्णोद्धार का जिम्मा लोक निर्माण विभाग को सौंप दिया है। बता दें आपको कि ऐसे में लोक निर्माण विभाग के अधिकारी यहाँ आर्किटेक्ट
के साथ ही मिलकर इस पूरे परिसर का सर्वे कर कार्य योजना तैयार कर रहे हैं ताकि इस बिल्डिंग को नया रूप दिया जा सके और लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड के अधिशासी अभियंता धन सिंह कुटियाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि ब्रिटिश कालीन धरोहर को संवारने के लिए तेजी से कार्य योजना तैयार की जा रही है जो आने वाले समय में अपने नए स्वरूप में नजर आएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।